सो हे गाइस, वेलकम टू द सिनेमैन। और मैं हूं आपका दोस्त, फ्रेंडली नेबरहुड सिनेमैन। तो गाइस, आज हम रिव्यू करने वाले हैं तू झूठी मैं मक्कार का। मतलब कल ही रिलीज हुई है और आज मैं देख के आया हूँ थिएटर में। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी के बारे में। तो कहानी है मिकी की, ठीक है। मिकी रणबीर कपूर का नाम है इसमें, मिकी नाम है उसका। एंड वो कैसे, देखो मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता, बट हाँ, मिकी रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर जो है निशा, वो कैसे मिलते हैं, जैसा ट्रेलर में दिखाया है कैसे मिलते हैं, दोनों में प्यार होता है और फिर बीच में लड़ाई हो जाती है, फिर क्या वो लोग लास्ट में दोस्त बन पाते हैं या नहीं, इसी पे पूरी कहानी रोटेट करती है। और स्टोरी में बस्सी भाई जो अपने हैं उनका बहुत ही बड़ा रोल है। नॉट लाइक कैमियोज, छोटा मोटा कैमियो नहीं किया है भाई ने, पूरे फिल्म में भाई, पूरे फिल्म में एक एक सीन में। और भाई बहुत ही तोड़ रोल किया है भाई, तोड़। जो होता है ना कॉमेडिक एंगल, वो कॉमेडिक एंगल रणबीर और बस्सी का कॉन्वो में साफ साफ था। एंड इट वॉज टू गुड, लिटरली टू गुड। मेरे को तो बड़ा मजा आया देख के। तो पॉजिटिव्स की बात करते हैं, तो पॉजिटिव में वही पहला बस्सी का जो रोल था बहुत ही तगड़ा है। सेकेंडली सॉन्ग्स, सॉन्ग्स तो भाई ये फिल्म मैंने सॉन्ग्स के लिए देखी, एंड सॉन्ग्स वर परफेक्टली प्लेस्ड इन द फिल्म। और फर्स्ट हाफ में हमें तीन सॉन्ग्स होते हैं, दो सॉन्ग तो रिलीज हो गए हैं और एक सॉन्ग नहीं रिलीज हुआ है। वो बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को, बहुत ही सरप्राइज था वो सॉन्ग। और सॉन्ग वॉज लाइक गुड, गुड सॉन्ग था। रणबीर का डांस वो भी था मगर उसमें, वो बहुत ही तगड़ा था, मेरे को अच्छा लगा। एंड बहुत कुछ पॉजिटिव है। सेकेंड हाफ की बात करें, सेकेंड हाफ पूरा पॉजिटिव है इसमें। सेकेंड हाफ में क्लाइमैक्स पॉजिटिव है, कैमियोज है, दो दो कैमियोज, मजा आ गया। और कैमियोज भाई परफेक्टली यूज हुए, कैमियोज है परफेक्टली यूज, कैमियोज है। अब लव रंजन का एक यूनिवर्स बन गया, लव यूनिवर्स मान के चल दो। तो बहुत ही तगड़ा कैमियो लगा मेरे को, वो दो कैमियोज, एंड बहुत ही मजेदार है। उसके बाद हमें अरिजीत का ओजी सॉन्ग भी दिखता है, ओजी सॉन्ग गेस करना, इसमें हमारे कैमियोज के साथ नाचते हैं, अपनी कैमियोज के साथ नाचते हैं। कौन नाचते हैं मैं नहीं बता रहा, नो स्पॉयलर्स। एंड बहुत ही तगड़ा है, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा। एंड क्लाइमैक्स की बात करूँ, बोनी कपूर का जो रोल है, डायरेक्टर बोनी कपूर जो कि अर्जुन कपूर के पापा हैं, उनने बढ़िया एक्टिंग की, सही बता रहा हूँ। अर्जुन कपूर मीम चल रहे हैं कि अर्जुन कपूर से बेटर एक्टिंग उसके पापा ने की है। अब यार क्या ही कह सकते, बाप तो बाप होता है। एंड नेगेटिव्स की बात करूँ, नेगेटिव में मैं बोलूँगा दो चार सीन्स थोड़े स्ट्रेची लगे, दो चार सीन्स बस, फिल्म थोड़ी लंबी लगेगी आपको स्टार्टिंग टू एंड। बट फर्स्ट हाफ थोड़ा सा फीका पड़ रहा है, बट सेकेंड हाफ बहुत ही ज़्यादा तोड़ है। फर्स्ट हाफ में लिटरली दो तीन सीन्स थोड़े बोरिंग हो जाते हैं, दो तीन सीन्स बस मात्र। बट एक और पॉजिटिव जोड़ूंगा मैं, ठीक है। वो जी रणबीर का वो जो होता है ना सैड चेहरा, वेडिंग टाइप मोमेंट्स ऑल, वो जी चेहरा भाई। और उसके बाद अरिजीत सिंह का सैड सॉन्ग ओ बेदर्दिया, वाओ। विंटेज रणबीर फैंस के लिए ये फिल्म जन्नत है, विंटेज। ये जवानी है दीवानी, ए दिल है मुश्किल, वेकअप से टाइप्स, आह मजा आया भाई, कतई मजेदार है। विंटेज रणबीर फैंस, तुम्हारी लिए फिल्म है ये। रणबीर को वो पहला वाला लुक में देखना है, पहले वाला लव स्टोरी रोम कॉम, तो एक रोम कॉम है एंड रोमांटिक बहुत है। नेगेटिव में मैं बोलूँगा बहुत सारे किस सीन्स हैं, तो मैं नहीं प्रेफर करूँगा फैमिली के साथ देखने, किसिंग्स बहुत ज़्यादा हैं एंड क्लिवरेजेस भी बहुत सारे हैं। एंड फैमिली फ्रेंडली फिल्म है बट नहीं भी है, तो मैं नहीं प्रेफर करूँगा। सिंगल लोगों के लिए भी फिल्म है, कपल के लिए तो बहुत ही बढ़िया फिल्म है एंड बहुत ही तगड़ी एंटरटेनिंग फिल्म है। नेगेटिव्स में यही बोलूँगा कि सीन्स बहुत हैं एंड क्लिवरेजेस बहुत हैं, एंड है कुछ कुछ है, तो नहीं किससे ज़्यादा नहीं है कुछ, बट हाँ कुछ कुछ है, बहुत सारी किस सीन्स है, बट बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को। एंड नेगेटिव्स में ज़्यादा कुछ नहीं जोड़ूंगा, फिल्म एंटरटेनिंग है, फिल्म एंटरटेन कर रही है तो एंटरटेन हो, मेरा तो ये है। नेगेटिव खोजने नहीं जाओगे, मैं तो पहले ही बता रहा हूँ, लो एक्सपेक्टेशन करके गया था मैं, लो एक्सपेक्टेशन करके ही गया था मैं। एंड मेरे को लो एक्सपेक्टेशन में जो होती है ना खुशी, स्माइल पूरे फिल्म में, सेकेंड हाफ में मेरे पूरे फिल्म में स्माइल थी, पॉपकॉर्न खाते खाते स्माइल करके हंस रहा था लिटरली मैं सेकेंड हाफ में। कॉमेडिक एंगल सेकेंड हाफ में बहुत ही बेटर हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बेटर हुआ है, एंड इट वॉज टू गुड। और सेकेंड हाफ से पहले जो इंटरवल से पहले एक ट्विस्ट आया है, एंड दैट
ट्विस्ट वॉज भाई, आई वॉज लाइक लिटरली यही रिएक्शन था मेरा, ओ भाई वो अलग से होता है ना। और पॉजिटिव में एक चीज जोड़ूंगा, ये जो तू झूठी मैं मक्कार में जो बैकग्राउंड वाला जो सॉन्ग चलता है ना, वो ट्रेलर में भी था ऐसे कुछ करके था, तू तू झूठी मैं मक्कार अनाउंसमेंट वीडियो में भी वो सॉन्ग था, बहुत ही तगड़ा लगता है, फिल्म में मैच करते हैं। कंक्लूजन, मेरा कंक्लूजन है भाई, रणबीर कपूर की फैंस हो, ये जवानी है दीवानी ये दिल है मुश्किल टाइप फिल्में तुमने देखी है, तुमने रिग्रेट हुआ भाई, ये मेरे को थिएटर में देखनी चाहिए ये फिल्म, तुम देख सकते हो। और रोम कॉम पसंद है देख सकते हो, श्रद्धा के फैंस हो देख सकते हो, बस्सी भाई को ओपी एक्टिंग देखना है देख सकते हो, होली पे कुछ देखना है देख सकते हो, खाली समय है देख सकते हो मैं तो बोलूंगा यही, बट फिल्म एंटरटेनिंग है देख सकते हो तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस। Look at the way that I move, swear. Disrespectful and I'm rude. Okay. I had cocaine in the school. Went on one hell of a kid. I am smoking gas, joking me. I'm lit. What you doing? I done did. I swear. Slick talker since a jit. Finesse. I know that this what they want. Facts. Run up some money.